तो आज की हमारी इस क्लास में हम डेटा मेनूवार शुरू कर चुके हैं, राइट। डेटा मेनूवार में हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटीज। डेटा कनेक्टिविटीज मतलब कि एक्सेल पे किसी और का डेटा कैसे लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए फाइल वन में मेरा डेटा पड़ा है और फाइल टू में डेटा चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि एक ही पीसी पे मुझे उस फाइल का डेटा इस पे चाहिए क्या? तो इसके दो रीजंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फाइल वन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट फाइल है, आप नहीं चाहते कि उसके फाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ हो, लेकिन किसी को वो फाइल पे काम करना पड़ता है, तो आपका फाइल भी सिक्योर होना चाहिए और आप उसको डेटा भी देना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, दूसरे फाइल में उस डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे, समझे। दूसरे फाइल में क्या करेंगे, उस डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। उससे क्या हुआ है कि उसकी डेटा कॉपी होकर इसमें आ जाएगी। तब बोलेंगे सर नॉर्मल कॉपी पेस्ट क्यों ना कर ले हम। तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे तो डेटा आपस में लिंक नहीं होगा, जिस कारण से जब भी डेटा चेंज होगा, अपडेट होगा, एवरी टाइम आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बट आप इंपोर्ट करते हो तो लिंक जनरेट होता है, जिस कारण से चलिए हम इसका आपको करके दिखाते हैं। गेट डेटा में गए, गेट डेटा में हमने बात की फ्रॉम फाइल और इसमें हमने एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट कर लिया। ये पहली बार थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ओके। और यहां पे हम अपनी डेटा फाइल को ढूंढते हैं। ठीक है, और इसको हम करते हैं इंपोर्ट। अब एक बार में एक सीट इंपोर्ट होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो हमने उस यहां पे सारे फाइल के अंदर सारे शीट्स आ गए। अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा शीट का डेटा चाहिए। जब क्लिक कीजिएगा तो यही पे उसका डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, जस्ट करना है लोड। अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी है, तो ट्रांसफॉर्म के बारे में बाद में बताएंगे, फिलहाल हमने कर लिया लोड। लोड करते ही ये डेटा यहाँ पे लोड हो गया। लोड हो गया सर। अब जैसे वहां पे कुछ चेंज होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट करना है रिफ्रेश। क्या करना है, रिफ्रेश। राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपस में लिंक हो जाएगा। तो आप किस किस से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे गेट डेटा पे आते हैं, फ्रॉम फाइल है। फ्रॉम फाइल मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल, जैसे कि आपने एक्सेल वर्कबुक से ले लिया। फिर आता है CSV फॉर्मेट, मतलब कि नोट पैड की कोई फाइल है तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते ही आपको अब यहाँ नोट पैड पे आएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, ये इस तरह का डेटा दिख गया, मतलब कि ये टैब सेपरेटेड फाइल है, मतलब कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में टैब का डिफरेंस है। कॉमा होगा तो कॉमा सेपरेटेड, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो डिलीटेड होता है वो सिलेक्ट करना होगा। देन यू कैन ऑल्सो लोड, ये आपका वर्ड पैड का नोट पैड का फाइल यहाँ पे आ गया। नोट पैड में कुछ चेंजिंग होगी, रिफ्रेश कीजिएगा, यहाँ भी चेंज होगी। उसके अलावा अगर हम डेटा मेनू बार में जाते हैं तो यहाँ फ्रॉम XML, फ्रॉम JSON फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, PDF, तो आप PDF से भी डेटा को ले सकते हैं। कोई PDF अगर आपके पास पड़ा है, लेकिन PDF में ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारा PDF फाइल आपको मिल जाएगा। PDF में अगर डेटा लेके आते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, सॉरी, कि आपका डेटा PDF जो है सही होना चाहिए। अब कैसा सही होना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ हमारे पास PDF फाइल है, हमने यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा फाइल हमने ले लिया। सबसे पहले आपका PDF स्कैन नहीं होना चाहिए, समझ गया, क्या होना चाहिए, स्कैन नहीं होना चाहिए। होता है ना कि आपने प्रिंट आउट निकाला, उस PDF को आपने स्कैन, आपने उस पेज को लिया, स्कैन करके PDF बना लिया, तो इमेज हो गई ना, तो
इमेज की डेटा नहीं आएगी, समझ गए? अगर इमेज का डेटा लेना होता सर, सर अगर इमेज का डेटा इजीली आ जाता तो डेटा एंट्री का पूरा एक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा ना सर, समझ रहे हैं ना? दूसरा, यहाँ पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हो गया ये आपका, और उसका हेडिंग होना चाहिए, और ये जो आप दिख रहे हैं ना, ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए, इस तरह के ग्राफिक्स को नहीं कैरी नहीं करता है, और सही फॉर्मेट होना चाहिए, कोई विजुअल में टेक, ऐसा नहीं कि कॉलम छोटा है जिसका आधा टेक्स्ट दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट वे में होना चाहिए, जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको ये फॉर्मेट। अब इसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट करूंगा तो ये आपका इम्पोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसने। क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसने प्रॉब्लम क्रिएट की कि इसने जो फैब में इमेज दे दिया, इमेज दिखा है ना, वो जो आइकन था आइकन इमेज बन गया, आइकन क्या बन गया, इमेज इमेज बन बन गया, गई। समझे? अब जिस कारण से हो गई प्रॉब्लम, इसके अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो अब बात आती है कि हम इसको इंपोर्ट कर लें या फिर जाए पीडीएफ को सही करें। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हम डेटा को इंपोर्ट करने से पहले थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करें, इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना होगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे तो खुल के आएगा पावर क्यूरी, क्या खुल के आएगा, पावर पावर क्यूरी। क्वेरी पावर क्यूरी के अंदर हम अपने हिसाब से छोटे मोटे चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इस कॉलम को करना है रिमूव, तो राइट क्लिक किए और इसको कर दिया मैंने रिमूव, सबसे ऊपर। रिमूव रिमूव हो गया। अभी जो कॉलम 4 है इसको कर देता हूं मैं फैब। ये जो चेंजिंग हो रहा है ना, ये चेंजिंग आपके ओरिजिनल पीडीएफ में नहीं हो रहा है, वो पीडीएफ से डेटा रख के बैकएंड में ले गया, वहां कॉपी पेस्ट करके फिर वहां से वो क्या कर रहा है, यहां पे लोड कर रहा है। अब क्वेश्चन आते है कि क्या पीडीएफ चेंज होगा, तो ये चेंज होगा, तो यहाँ एक सिंपल सा, क्योंकि मैंने ट्राई किया नहीं, कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, बट लॉजिक कहता है कि पीडीएफ जब चेंज होगा, पीडीएफ एडिट तो होता नहीं है ना सर, इसी तो पीडीएफ नाम है, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ में तो चेंजेस पॉसिबल नहीं है ना, मतलब पॉसिबल बैकएंड पे नहीं आप उस है, फाइल को चेंज कर नहीं सकते ना, फाइल तो ही वो तो चेंज कोई करेगा, चीज। जब फाइल चेंज होगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे फाइल नेम वगैरह में। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि आप फाइल का सेम नाम का पीडीएफ चेंज कर दीजिए, फिर देखिएगा कि अपडेट ले रहा है कि नहीं ले रहा पीडीएफ के लिए कैसे चेंजेस करेंगे, पीडीएफ है। एडिटर पीडीएफ के थ्रू किसके जाइए थ्रू आप, चेंज जैसे जैन करेंगे? नाम का फाइल था आपका, राइट? तो नहीं, आपने क्या मैं किया, पूछ आपने क्या पूछ किया, रहा हूँ। जैन, एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए सर, आपने क्या किया, जैन नाम का पीडीएफ था, उसमें डेटा था, उस डेटा को आपने क्या किया, लोड कर लिया, राइट? अब आपके पास जैन और फैब दोनों का डेटा, तो पीडीएफ का नाम आप जैन ही रखें, लेकिन उसके डेटा उसके अंदर जैन में फैब रखते हैं, मैंने पहले वाले जैन पीडीएफ को डिलीट कर दें, फिर एक नया पीडीएफ जैन के नाम से ही बनाया, उसमें जैन और फैब दोनों का डेटा हो, तो क्या डेटा चेंज कर देता है या एरर देता है, चेक कर लीजिएगा। मतलब आप कहते हैं कि सर वो पीडीएफ फाइल जो जैन के नाम से, वो डिलीट करके एक नई जैन के नाम से बना है, जी हाँ, उसमें डेटा हम तो मैंने कि ज्यादा डेटा लेकिन रखा सर है। वो, लेकिन एक प्रॉब्लम सी होगी ना कि वो उसका लिंक चेंज हो गया ना, जैसे अगर मैंने डिलीट कर दिया तो सेम उसका एड्रेस लोकेशन चेंज हो नहीं, जाएगा सेम कंप्यूटर के लोकेशन अंदर पे सर। कीजिएगा, सेम लोकेशन, सर सेम लोकेशन कभी नहीं होती, जब भी आप लैपटॉप में कंप्यूटर में कोई भी चीज चेंज कर दे तो वो अपनी लोकेशन और एड्रेस चेंज कर देगा, फिर उसको आप वापस से पास नई लोके लोकेशन। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, डी ड्राइव में 2022 फोल्डर के अंदर मुझे फाइल फाइल रखा तो फाइल होगा, वो अंदर स्टैक में हार्ड डिस्क में चेंज करता है वो अलग है, वो तो अलग चीज हो गई सर, इसका तो यही होता है ना, जब इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आप जाएंगे, इसके डिफिनेशन पे जाएंगे, तो यहाँ जो पाथ होगा तो वो एक ही होगा ना, यहाँ जो फाइल पाथ होता है, यहाँ डिफिनेशन में फाइल पाथ होगा, ये यहाँ देख रहे हैं लोकेशन टेबल 1 पेज 1, यहाँ एक फाइल का पाथ होता है। सर एक बार आप खुद ही करके देख लो, डिलीट मार के अच्छा देख लो, और मैं नहीं देख, उसी नाम से फाइल बन जाए, आपकी मैं लोकेशन चेंज नहीं हो जाए तो बताना। ठीक है, हो सकता है ऐसा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना? ऐसा ठीक थ्योरी है, तो कहता है कि नहीं होगा, थ्योरी क्या कहता है नहीं होगा, बट मैंने कभी प्रैक्टिकल ट्राई नहीं किया, इसलिए आपको बोला हूं कि आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक।
थ्योरी बोलती है नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक अब यहाँ हम अगला जो टॉपिक पे बात करते हैं वो याद करते हैं। यहाँ जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ आता है फ्रॉम फोल्डर। अब फ्रॉम फोल्डर में क्या क्या पूरा फोल्डर का डेटा लेगा। देखिए यहाँ भी कुछ खास है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2021 के अंदर एक डेटा नाम की फोल्डर है और इसके अंदर कई सारे फाइल्स हैं, उस फाइल का डेटा चाहिए। तो अब फोल्डर को सेलेक्ट करके जब ओके करता हूँ तो यहाँ देखिएगा पूरा फाइल लिस्ट आ जाता है कि भाई जितना फाइल लिस्ट दिख रहा है ना सर। अब मैं यहीं पे इसके लोड कर दूं तो क्या होगा, जितने भी फाइल जो यहाँ डेटा दिख रहा है ना सेम ऐसा ही डेटा आ जाए। तो कि फोल्डर में क्या क्या फाइल्स है, एक्सटेंशन क्या है, डेट ऑफ एक्सेस, डेट ऑफ मॉडिफाई, डेट ऑफ क्रिएट, एट्रीब्यूट, फाइल पाथ, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि वन के अंदर का जो डेटा है, टू के अंदर का जो डेटा है ना वो ला दे, समझे। तो यहाँ कंबाइन एंड लोड दिखेगा, क्या दिखेगा, कंबाइन एंड लोड। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ अब यहाँ पे फर्स्ट फाइल सेकेंड फाइल दिख रहा होगा ना, तो फर्स्ट फाइल लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डेटा चेक कर लीजिए, यहाँ एरर को स्किप कर दीजिए, डेटा सही है। अब इसको कीजिए लोड, अब क्या करेगा, सारे फोल्डर का डेटा यहां ला देगा। मैं कंबाइन करना था आई थिंक जी दो हाँ, कंबाइन चीज एंड लोड किया मैंने, सेलेक्ट को ये शायद एक ही किया ना मैं। नहीं, सारा फाइल आ गया ना, सारा लिस्ट डेटा आ गया। यहाँ पे फाइल नेम भी आ रहा है, किस फाइल का डेटा है वो भी दिख रहा है यहाँ पे, समझे। और नंबर 9 में कुछ नहीं था तो देखिए ब्लैंक आया, क्योंकि तो नंबर 9 में कुछ था ही नहीं, ब्लैंक फाइल है वो, समझे। अगर सर ये तो जी हुआ आपका एक सेम फॉर्मेट में हो गया तो ये दिख रहा है, अगर वही अगर डिफरेंट फॉर्मेट में होगा तो उसकी पोजीशन डिफरेंट आएगी। डिफरेंट फॉर्मेट का आएगा, एरर देगा सर। वो फर्स्ट फाइल जो आपने हाँ सिलेक्ट किया ना, देखिए फर्स्ट फाइल जो मैंने सिलेक्ट हाँ किया था उस फाइल को उसी सारे हेडिंग को उसने रीड कर दिया, और उस हेडिंग का अच्छा डेटा जहां जहां मिला जिस फाइल में वही लाया। अगर मान लो किसी के अंदर हेडिंग ज्यादा है तो कम ही दिखाएगा, जितना वो वन को सिलेक्ट किया है उतना ही दिखाया है, किसी में कम है तो वहां अच्छा ब्लैंक हो जाएगा। फर्स्ट रेफरेंस फाइल के हिसाब से काम करेगा। जी हाँ, फर्स्ट फाइल के हिसाब से काम करेगा। जैसे आप देख लीजिए नंबर 9 में कोई डेटा नहीं था, ब्लैंक फाइल था, तो उसका कुछ नहीं लाया, ब्लैंक शो कर। और देखिए कभी हम डेटा कनेक्टिविटी या डेटा इंपोर्ट करते हैं तो डेटा को डेटा फॉर्मेट में होना जरूरी होता है, इसलिए हम सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल सर्वर जैसे सर्वर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि डेटा एक डेटा फॉर्मेट में हो, ताकि कोई भी कुछ भी डेटा लेके ना डाल दे, डेटा एक सही फॉर्मेट में, वैलिडेट डेटा, ताकि उसके ऊपर इंपोर्ट करें और कुछ और करें तो हमारा अच्छा खासा उस पर वर्क हो, समझे। मतलब आपने एसक्यूएल पे भी काम कर रखा है सर। यह मैं पढ़ाता भी हूँ, इससे एसक्यूएल अच्छा की क्लासेस भी देता हूँ। देखिए ये मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा ना, ये सारे क्लासेस देता हूँ। अब पैथन भी शुरू करने वाला हूँ अगले साल से आपको तो पैथन कर देनी चाहिए सर शुरू। सर। बात यह है, पैथन मुझे आता है, पर क्या है कि पैथन मुझे आता है, मुझे आपको पढ़ाने लायक आना चाहिए ना, कि मेरे पास स्कूल पास आउट प्रैक्टिस करने करो सब पढ़ाते जाओगे तो प्रैक्टिस होती। स्कूल पा हाँ वही तो स्कूल पास आउट तो नहीं आते ना, मेरे पास तो आप जैसे प्रोफेशनल्स आते हैं, तो मुझे उस लेवल का नॉलेज गेन करना होगा ना, आपके हर तरह के क्वेश्चन नहीं करना, उसके लिए करना होता है रिसर्च, और उसके लिए हम कर रहे हैं रिसर्च, रिसर्च में लगता है आपने टाइम। टैटू भी कर रहे हैं क्या? जी हाँ, तो ये समझ में आ गया। तो हमने आज आपके सामने एक्सटेंडेड डेटा के फाइल ऑप्शंस के बारे में जाना, ठीक है। ठीक तो आप जो है इसको एक बार अपने एंड से कीजिए प्रैक्टिस, कल हम बात करेंगे इसके अंदर और भी कुछ चीजों के बारे में।
समझे। जैसे कि आप एक काम, एक रिसर्च कीजिए कि मुझे जो डेटा है ना, डेटा मुझे, मेरे पास एक फोल्डर है, फोल्डर में मेरे पास 10 डेटा है, ठीक है, 10 डेटा फाइल है, चाहे एक्सेल शीट है उसमें 10 एक्सेल शीट्स, मुझे पिवट टेबल लगाना है, चाहे फोल्डर के अंदर 10 शीट से या फाइल शीट के अंदर 10 फाइल से, समझे।